अब मैं अभी मैंने एक कविता लिखी है जो देश के बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे भी आई और उसको मैंने देश के शहीदों पे लिखा, पुलवामा हुआ था। तो मेरी कलम ने मुझसे कहा कि कुछ ऐसा लिखा जाए ताकि शहीदों का सम्मान हो और कुछ मेरे मन के भाव थे, तो मैंने कविता में ढाला और लिखा, आप तक पहुंचाता हूँ। वो कविता इसलिए लिखी कि किसी शायर की दो पंक्तियां मुझे याद आई कि यूं तो तू प्यार की गजलें तमाम लिख, कि यूं तो तू प्यार की गजलें तमाम लिख, पर फिलहाल कुछ शेर तू शहीदों के नाम लिख। और कुछ सुनिए सुनिए, सैनिक क्या कहता है, सैनिक के मन की फीलिंग क्या है, आप सोचिए कि दिल दिल में कुछ जगह करें देश के लिए, दिल में कुछ जगह दें देश के लिए, हां वतन पर मरकर वो दिखाएंगे, हम बस जीकर दिखाएं देश के लिए। और तब देश के लिए एक बात मैं कहता हूं उन सैनिकों में, आप सोचिए कि एक सैनिक जो जिसकी उम्र 30-35 साल की होगी और जिसका 5 साल की छोटी सी बिटिया होगी, घर में वो इंतजार करती होगी, सोचिए कभी भी सीने पे गोली लग सकती है, और गोली लग सकती है लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जगह नहीं छोड़ता है, उसके कारण आज यहां सुरक्षित है। और तब मैंने वो कविता लिखी उस भाव को कि उसके घर पे उसकी बीवी उसके बच्चे पे क्या बीतती होगी। और तब मैंने एक कविता लिखी कि जिनके तन और मन में था केवल वतन, ओ शहीदों तुम्हें मेरे सो सो नमन। और सोचिए उसके घर पे उसकी पत्नी पे क्या बीतती है, याद सिंदूर की हो या बेटे की जिद, सबसे पहले था जेठन मेरे वतन, चाहता था तिरंगा सलामत रहे, मैं रहूं ना रहूं ओ अमन। जिनके बलिदान से ही सुरक्षित हम, ओ शहीदों तुम्हें मेरे सो सो नमन। और देशभक्ति के बिन के आप देखिए उन मुल्कों की हालत देखिए, इराक की, सीरिया की, जिनमें राष्ट्र नहीं होता है, लोकतंत्र नहीं होता है, उनके देश के लोगों की हालत बड़ी विचित्र होती है, उनको छोड़ना पड़ता है देश। और तब मैं लिखता हूं देशभक्ति के बिन जो जिया क्या जिया, मातृभू से बड़ी वंदना कुछ नहीं, राष्ट्र है तो सभी कुछ हमारे लिए, है वतन ना अगर तो कुछ भी नहीं। जिनके बलिदान से ही सुरक्षित हम, ओ शहीदों तुम्हें मेरे सो सो नमन। जय हिंद जय भारत।